तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डायलॉग बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने सही सिचुएशन पर किसी भी लड़की को बोल दिया तो वो पक्का आपसे इम्प्रेस होगी ही होगी। लेकिन 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 उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी लड़की पर एक साथ ये डायलॉग नहीं मारने, वरना उसे आराम से पता चल जाएगा कि आप ये कहीं से रट के आए हो। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी कि सही सिचुएशन पर ये डायलॉग बोलना। अब सही सिचुएशन का यही मतलब है कि जब किसी डायलॉग से रिलेटेड बात आए तभी वो डायलॉग बोलो, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि खुद बातों को घुमाते घुमाते उस डायलॉग के रिलेटेड ले आओ फिर वो डायलॉग बोल दो, जिससे उस लड़की को ये बिल्कुल जेन्युइन लगेगा और वो इसे आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर समझ के आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। तो अब मैं आपको सीधा बताता हूँ डायलॉग नंबर 1। तो यहाँ पर आपको उससे डायरेक्ट पूछना है कि तुम्हारे डैड कहीं के राजा हैं क्या, तो वो बोलेगी हाँ या फिर बोलेगी नहीं या फिर पूछेगी क्यों, तो आपको बोलना है क्योंकि उनकी राजकुमारी पर दिल आ गया है। अब ये डायलॉग आप अपनी अच्छी फ्रेंड या फिर जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उसे बड़े आराम से बोल सकते हैं, बस किसी अननोन लड़की से ये डायलॉग डायरेक्ट मत बोलिएगा। डायलॉग नंबर 2, तो आपको उससे यहाँ पर ऐसा पूछना है अगर आपको कभी कुछ चुराना होगा तो आप क्या चुराओगी, तो वो आपसे कुछ भी बोल सकती है। जैसे मुझसे तो यहाँ पर इसने बोला है पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड, तो मैंने उससे बोला मुझे भी कुछ चुराना है, तो उसने पूछा क्या, तो मैंने बोला तुम्हारा दिल। अब आप जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो उससे ये डायलॉग बोलोगे तो ये उसे काफ़ी अच्छा लगेगा और वो आपकी बातों से इम्प्रेस भी होगी। डायलॉग नंबर 3, आपको उसे यहाँ पर बोलना है तुमको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, तो वो पूछेगी क्यों, तो आपको उससे बोलना है क्योंकि मेरी दिलचस्पी तुम में और ज़्यादा बढ़ रही है, तो तुम्हें इसी बात का गर्व होना चाहिए। तो मेरी बहन ने तो मुझसे यहाँ पर ऐसे बोला, मुझे तो पहले से ही गर्व है इस बात का। इस तरह आप भी ये बातें बोलकर अपनी चैटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और चैटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने का यही एक तरीका है भाई, डायलॉग बोल बोल कर। तो आपको इस तरह बात करनी पड़ेगी। डायलॉग नंबर 4, यहाँ पर आपको उससे पूछना है तुम्हारे स्विमिंग पूल की रेट क्या है, तो वो आपसे यहाँ पर कुछ भी बोल सकती है, जैसे मेरा तो कोई स्विमिंग पूल ही नहीं है, तो आपको उससे बोलना है तुम्हारी आँखों का स्विमिंग पूल है ना, मैं उसमें डूबना चाहता हूँ। तो ये डायलॉग बोलकर भी आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। डायलॉग नंबर 5, तो आपको उसे बोलना है तुम इतना मेहनत का काम करके तो थक जाती होगी ना, तो वो आपसे पूछेगी कौन सा काम या कैसा काम, तो आपको उसे बोलना है इतना खूबसूरत होने का काम। तो ये डायलॉग थोड़ा फ्लर्ट करने के लिए भी है और ये थोड़ा फनी भी है, और इससे आपकी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। डायलॉग नंबर 6, आपको उसे बोलना है सुनो, तो वो बोलेगी हाँ बोलो, तो आपको उसे बोलना है रिश्वत लेने का दौर चल रहा है तो कुछ ले देकर हमारे हो जाओ ना। ये डायलॉग आप लड़की से बोलोगे तो वो भी आपसे इम्प्रेस ही होगी। डायलॉग नंबर 7, आपको उससे यहाँ पर बोलना है तुम जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाओ, तो पूछेगी क्यों, तो आपको बोलना है प्लीज़ प्लीज़ जल्दी हो जाओ, तो वो बोलेगी अरे बताओ तो सही क्यों, तो फिर आपको उसे बोलना है न्यूज़ में आ रहा है गवर्नमेंट ने क्यूट होना बैन कर दिया है, इसलिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। अब ये डायलॉग बोलकर आप उसकी तारीफ भी कर दोगे और ये भी उसे काफ़ी अच्छा लगेगा और ये थोड़ा फ्लर्टी भी है, तो ये बोलकर भी आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको जो डायलॉग सबसे अच्छा लगा हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और अगर आपको भी ऐसे अच्छे डायलॉग पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में सबके साथ शेयर कर सकते हैं।